महिला सशक्तिकरण का कड़ा संदेश लेकर आई केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF की 100 महिला बाइकर्स का जिले में जोरदार स्वागत किया गया। महर्षि विद्या मंदिर स्कूल में इस बाइक रैली का स्वागत किया गया। स्वागत प्रतिभागी नागरिकों ने देशभक्ति के नारों के साथ किया। CRPF के DIG प्रशांत जांबुलकर, जिला कलेक्टर योगेश कुंभारे के साथ पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी, CRPF के लव कुमार पंडित इथापे के साथ JM पटेल के प्रधानाचार्य विकास धोमे ने सभी अधिकारियों के साथ उपस्थित रहे। इस बाइक रैली में नेता महिलाओं को देख कर छात्र और छात्राएं प्रेरित होंगी। जिला कलेक्टर योगेश कुंभेजकर ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए यह बाइक रैली महिलाओं के लिए आत्मविश्वास बढ़ाने वाली है। 5 राज्यों से यात्रा कर चुकी बाइक रैली ने 1300 किलोमीटर की यात्रा तय की है। भंडारा रैली के आगमन के बाद 2 दिन चितापुर कोबरा बटालियन में कार्यक्रम करने के बाद छत्तीसगढ़ जगदलपुर में पहुँच कर समाप्त होगी। आज महिला 75 डेयरडेविल बाइकर्स जगदलपुर के लिए रवाना हुई है यहाँ भंडारा से। इनका सफ़र 9 मार्च को न्यू दिल्ली से स्टार्ट हुआ था और इस दौरान जगह जगह जहाँ पर भी इंस्टीट्यूशंस थे, भोपाल, आगरा, नागपुर से होते हुए हमारे इस आज शहर को क्रॉस कर रहे हैं। और इनको देख के जितना गर्व हमें महसूस हो रहा है, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि हमारे जो भंडारा वासी हैं जिन्होंने इनका गर्मजोशी से स्वागत किया है, महिलाओं ने, लड़कियों ने, उन्हें भी बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे और आगे वे किस तरीके से अपने फ्यूचर को और बढ़िया कर सकते हैं उसे भी एक इंस्पिरेशन लेंगे। महिलाओं के लिए यही मेरा मैसेज है कि वे किसी से भी कम नहीं है, पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर वो किसी भी कार्य को हासिल कर सकते हैं। और इसका नमूना उन्होंने आज देख ही लिया है कि 1800 किलोमीटर तय करके जो हमारी डेयर डेविल्स महिलाएं हैं वो यहाँ पर ऐसा कुशल आई हैं और इतना ही। NBCN न्यूज़ के लिए भंडारा से सुरेंद्र चिंथा लोरे की रिपोर्ट।